नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को असम का दौरा करेंगे। इस दौरान 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे और राजमार्गों में सुधार के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया। बीते कुछ वक्त में लगातार विपक्षी नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना जारी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपये 65 पैसे हो गया है। इसी तरीके से LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़त और गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,899 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 107 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। कानपुर में एक छात्र को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। किडनैपिंग की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लूटपाट के बाद बदमाशों ने युवक को घायल हालत में मार्केट में फेंक कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो लोगों को LIC कंपनी के इंश्योरेंस और सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करता था। यह गिरोह अब तक लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ चुका है। पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और वहीं NIA को झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। NIA ने झारखंड के लातेहार में 1.5 साल पहले एक हमले में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति का शव खेत में मिला। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। दिल्ली में एक महिला कारोबारी के ड्राइवर ने उसका 3 साल का भरोसा चूर चूर कर दिया। महिला ने अपने ड्राइवर को 85 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के लिए दिए थे, जिसके बाद ड्राइवर पैसे लेकर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। हरियाणा के बरवाला में विधायक रहे रेलू राम पुनिया समेत 8 लोगों की हत्या के मामले में STF ने शख्स को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। NIA ने झारखंड के रहने वाले शंकर महोतो को गिरफ्तार किया, जो प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में बड़े पैमाने पर मानव तस्करी को अंजाम दे रहा था। फिलहाल NIA आरोपी से पूछताछ कर रही है। मऊ में DCM ने कार में टक्कर मार दी, जिसके चलते कार चालक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। मोहाली पुलिस ने कम पढ़े लिखे और स्टडी गैप वाले युवक से मोटी रकम लेकर उन्हें यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां मुहैया कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने 1 लाख रुपए के नामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस के ASI की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। गोरखपुर में खेत की रखवाली के लिए टीन शेड में सोए किसान को बदमाश ने गोली मार दी। घायल को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। आगरा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें चलते एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती किया। गोरखपुर में युवक का शव संदिग्ध हालत में उसके घर पर मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की छानबीन शुरू की। 2.5 लाख के नामी और मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो के साथी डिपिन सूरी ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी सूरी गैंगस्टर में वंचित चल रहा था। अब पुलिस उसकी संपत्ति की जांच करेगी। केरल के न्यायालय परिसर में आते हुए न्यायाधीश की गाड़ी पर एक व्यक्ति ने काला ऑयल फेंक दिया। घटना के बाद सुरक्षा जवान सतर्क हो गए। आरोपी को दबोच लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि आरोपी पिछले कई दिनों से न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। दिल्ली में बदमाशों ने BJP के पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल के भाई और उनकी पत्नी से सोने की 6 अंगूठियां और एक चेन लूटकर फरार हो गए। लूटपाट की घटना के दौरान बदमाशों ने हवा में कई राउंड गोलियां चलाई और एक गोली उनकी भतीजी खुशबू के पैर में लगी। घायल हालत में खुशबू को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया। गाजियाबाद में नाले में एक शख्स का शव मिला। इसकी सूचना मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच की अनबन तो किसी से छुपी नहीं है। तापसी पन्नू ने किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी पर कंगना रनौत ने अब उसका जवाब दे दिया। कंगना रनौत ने लिखा है कि बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच। बिग बॉस 14 में राखी सावंत के आने के बाद दर्शकों को हर दिन एक नया एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। हाल ही के एपिसोड में राखी सावंत ने अपने पति को लेकर नया खुलासा किया। राखी ने कहा, मेरा पति शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है।
अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के बयान के बीच एक पोस्ट किया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने देर रात एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं होता, जिसके बाद उनका ये ट्वीट वायरल हो गया। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।